हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सारे नूं, जय मसीह दी। मेरा नाम चरणजीत सिंह सनी है ते मैं हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च दा मेंबर है, पंजाबी चर्च जो कि निकोशिया दे विच है। ते मैं तुहानूं दसना चाहुंगा, कुछ डिटेल देना चाहुंगा साडी चर्च बारे, जां पिछला वीक जो गुजरिया गा कि साडे विचकार खुदा दे दास पास्टर डियागो जी लंडन तों आए हुए सीगे ते उहनां दे नाल बहुत अच्छी पूरे वीक दे विच मिनिस्ट्री दे विच गुजरे हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सानू खुदा दे विच होके। मैनू 1.5 to 2 years हो गए खुदा दे विच चलदे नूं, ते मैं बहुत कुछ लर्न किया गा इस अपनी पंजाबी चर्च दे विच, हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च दे विच। ते असीं दिल पा के खुदा दे घर दे विच काम करदे हां ते खुदा भी सानू बहुत बरकतां दिंदा, बहुत ब्लैसिंग दिंदा गा। ते ब्रदर दे नाल एक हफ्ता हो गया गा, जो भी मीटिंगां गुजरियां गईयां सन, पिछले संडे दी मीटिंग, उस तो बाद बुधवार की मीटिंग सी, वीरवार की, ठीक है, फिर शनिवार की, फिर दोबारा तो ऐतवार की मीटिंग, जो भी प्रचार होया है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रचार सीगे सारे, जो खुदा दे दास नूं खुदा वल्लों दित्ते गए सीगे, साडे लई भेजे गए सी, साडी जिंदगियां नूं बदलण दे लई। ते ब्रदर ने प्रचार किया ईगल के बारे, ठीक है, कि असीं एक बाज की तरह के, ठीक है, सब तो डिफरेंट पंछी है दुनिया के, जो सब तो उच्चा उड़ता, कहीं मरिया फूड नहीं खाता, तो तूफाना के उपर होकर उड़ता गा। उस तरह सानू कि मसीहत जिंदगी दे विच तूफाना के उपरों की लंघन की जरूरत है, उस बाज वांग होने की जरूरत है। उस तो बाद अगला प्रचार सीगा जो साडी यूनिटी दे लई सीगा कि साडे आपस विच यूनिटी होनी चाहिए, साडी मसीहत जिंदगी विच, साडे भैण भरावां दे नाल, जो साडे दोस्त मित्र है सारे मसीहत जिंदगी दे विच वाले होने चाहिए है, ता जो असीं उहनां दे नाल रल के अगे वध सकीए, ना कि असीं इस संसार की, संसार के जो साडे दोस्त मित्र बनते उन्होंने फस के इस संसार बन तुरे गए, क्योंकि असं खुदा के रास्ते से तुर रहे हैं। सानू खुदा ने अपना वचन दिता गा, सब तो पावरफुल है जिहड़ा कि जिंदा वचन कहा जाता जिन्हों, ठीक है, खुदा ने सानू वह दिता गा, सानू वो उपर चलना चाहिए, उन्होंने साडी जिंदगी दे विच लागू करना चाहिए। फिर ब्रदर ने प्रचार किया ट्रस्ट के उपर, फेथ के उपर, कि सानू खुदा दे विच विश्वास पाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत साडी जिंदगी च आती है सानू उन्हें फेस करना चाहिए गा खुदा के वचन के नाल, क्योंकि जो खुद खुदा प्रत्याया गया अभी 40 दिन शैतान बनियो जो रेगिस्तान के, तो उन्हें खुद खुदा ने, प्रभु यसू मसीह ने भी खुदा के वचन में वरत्या सीगा कि यह मेरे पिता द्वारा लिखा गया गा वचन दे विच, कि जिहड़ा इंसान है कली रोटी द्वारा नहीं, ठीक है, खुदा के वचन हर एक शब्द जो मूँह के पिछों निकलिया खुदा के उसके द्वारा जिंदा गा। तो उस तरह होर मीटिंग सीगियां जिन्हों के सू सिखाया गया, ठीक है, आपसी रिश्ता किमें रखना गा, ठीक है, असं एक रॉयल प्रीस्टहुड फैमिली के बिलोंग करते हैं, खुदा दी नज़रां दे विच असीं राजे हैं, ठीक है, उसने धीआं पुत्र है कि जिन्हें कि सानू एक दर्जा दिता रॉयल फैमिली का, रॉयल प्रीस्टहुड का, रॉयल तुसीं समझ सकते हैं कि रॉयल का मतलब की है, जिहड़ा राजे का घराना हुंदा गा, तो अपने आप नूं कदे भी नीवा ना समझो, क्योंकि खुदा दी नज़रां च असीं बहुत वड्डे हैं, बहुत महान है, असीं दुनिया दी नज़रां च छोटे हो सकते हैं, पर जे असी खुदा दे विच आ तां खुदा दे लई साडी कल्ले कल्ले दी जिहड़ी वैल्यू है ना बहुत ज्यादा है। सानू उसने अपने धीआं पुत्र होण दा हक दित्ता गा, ठीक है, उहने सानू इन्नी स्ट्रेंथ दित्ती, अपनी पवित्र आत्मा दित्ती है जिहड़ी सानू गाइड करदी है, होली स्पिरिट दित्ती है जिहदे द्वारा असी चल के अपनी जिंदगी दे विच हर एक मुसीबत नाल लड़ के उस तों अगे लंघ सकदे हां, हर एक जो भी साडी जिंदगी दे विच प्रॉब्लम फेस हुंदी है सानू, ठीक है, उह साडी पवित्र आत्मा जिहड़ी मदद करदी, साडा खुदा दा वचन साडी मदद करदा उसनूं तोड़ के अगे लंघण दी, क्योंकि साडा रास्ता खुदा दे वल सीधा है। हालेलुया। ते होर उत्थे प्रचार होया यूनिटी दे लई, फेथ दे लई, ठीक है, तीजी चीज होई है जिहड़ी उत्थे प्रचार किया गया कि पहला खुदा दा वचन अपनी जिंदगी च लैके आओ, फिर उहदे उत्ते विश्वास करो, फेथ पाओ अपना, ते तीजी चीज कि उहनूं पुट इन एक्शन कि अपनी जिंदगी दे विच लागू करो। जो चीज़ इहदे लिखी हुई है यह नहीं है कि पढ़ी ते छड्ड दी, पढ़ के उन्हें छड्डो ना, उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच अप्लाई करो, उसके चलने की कोशिश करो। ईजी नहीं गा, डिफिकल्टी बहुत आती है, पर की है जे असी खुदा के हवाले अपनी जिंदगी कर दें कि अज तो खुदा मेरी जिंदगी तेरे हाथ है, तो सानू की है जिहड़ी पवित्र आत्मा खुदा ने सानू दित्ती है वो साडे अंदर है, बिल्कुल क्लोज बाय है हर वक्त, उत्ते सानू की कहने की जरूरत है, सिर्फ पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, आई नीड हैल्प, तो की है वो साडे नाल है, साडे बराबर खड़ा साडा खुदा, वो सानू हर एक मुसीबत दे विचों कढेगा, हर एक मुसीबत के पार लंघाएगा, पर असी की असी अपनी स्ट्रेंथ के नाल, असी अपनी ताकत के नाल मुसीबतों का सामना कर लग जाते हैं, तो उसके विच की है असी बहुत घट चांस है कि असी सक्सैस होवांगे, क्योंकि शैतान सानू हमेशा डिगना चाहता गा
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਗਏ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕੋਸ਼ੀਆ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੋਲਜਰ, ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਣੀਓ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਣੀਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ।